हे एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। और आज चलिए बनाते हैं हम लोग बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, मूंग दाल का चीला। और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा, हेल्दी तो है ही साथ में। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि मूंग दाल को इस तरह से पानी में 3-4 घंटे के लिए फुला देंगे। फिर इसमें हम लोग डालेंगे अराउंड 3-4 हरी मिर्च, प्याज, थोड़ा अदरक लहसुन, थोड़ा पानी डाल के इसका एक स्मूथ बैटर बना देंगे, कुछ इस तरीके का। अब इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और थोड़े गरम मसाला, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा साइड में कर देंगे। अब थोड़ा स्टफिंग की तैयारी कर ले, तो उसके लिए पनीर ग्रेट करके रख लिए हैं, थोड़ा पुदीना का पत्ता, साथ में थोड़े सूखे मसाले जैसे चाट मसाला, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये सब स्टफिंग के वक्त काम आएगा। अब पैन में थोड़ा सा तेल दे के इसको वेट टॉवल से पोंछ लीजिए। अब इसको हम लोग जैसे डोसा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इस तरह से घुमाते हुए बनाना। इसमें कोई भी बेकिंग सोडा या कुछ भी हमने नहीं डाला है। और फिर इसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, फिर डालिए स्टफिंग में पनीर, पुदीना पत्ता और सारे जो सूखे मसाले थे वो सब आप इसमें डाल दीजिए। और थोड़ा सा इसको इस तरह से हटा लीजिए, जैसे ही ये चारों तरफ से सेपरेट होने लग जाए, आप देखिए ये हमारा चीला बनके हो गया है तैयार। इसी तरह से हम लोग अपने सारे चीलास को बना लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, काफ़ी फिलिंग होता है, भूख आपकी अच्छी से काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि ये एक सेटिस्फाइंग मील है, कंप्लीट मील है। तो इस तरह से देखिए हमारा चीला बन गया। तो इसे आप किसी भी चटनी या अपने मनपसंद की सब्जी के साथ बनाइए, खाइए। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।